हेलो एवरीवन, ऑडिबल? चलिए, सो गाइस, हेलो एवरीवन। एक बार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे फटाफट से आ जाएं। कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं। चलिए, तो गाइस बेसिकली हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आरआरबी के इस बैच में। और जितने भी बच्चे यहां पर लेट जुड़ रहे हैं, भाई देखो, एक मिनट दो मिनट इंतजार करूंगा, फिर मैं क्लास शुरू करूंगा। तो पुनीत सर की क्लास चल रही है, कोई बात नहीं। आप तुम लोग बोल दिया करो सर को कि सर जल्दी छोड़ दें, क्योंकि फिर आपका यहाँ छूटेगा तो फिर देखो, क्योंकि मैं भी फिर लेट शुरू नहीं कर सकता, है ना। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है भाई। कल हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था, आज भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो जो कल हम लोगों ने सवाल किए थे वहीं से आगे चलेंगे। कल मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया था मैं दिखा देता हूँ, जो लोग पहली बार आ रखे हैं। और जो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी हाल ही में सब्सक्रिप्शन लिया होगा, तो उनसे मैं कहूंगा कि रिकॉर्डिंग जरूर देख लें। जिन्होंने हाल ही में सब्सक्रिप्शन लिया है, भाई साहब प्लीज जाके रिकॉर्डिंग्स देखना शुरू करें। ऐसे नहीं कि आप तुरंत लाइव आ गए फिर आप सवाल पूछोगे सर ये कहां से आया वो कहां से आया, तो मैं फिर एंटरटेन नहीं करूंगा। डन? आप लेट हो, मैं लेट नहीं हूं। आप जो रिकॉर्डिंग देख के आप समझेंगे उसको। अगर आपने सब्सक्रिप्शन 16 जून को ले लिया होता तो शायद आज 6 तारीख 22 जून को जो आए हैं, 6 दिन जो लेट हुए हैं, वो उनकी गलती है। तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, प्लस ये वाला वीडियो देख लेना मेरा। ये मैंने पूरा 60 दिन का प्लान दिया है इसमें, ठीक है। पीडीएफ वगैरह कैसे मिलती है बता देता हूँ। पीडीएफ मिलने के लिए आप क्या करेंगे, ये तीन डॉट पे क्लिक करेंगे, आपकी ऐप में इस तरीके से खुलता होगा तो अपडेट सेक्शन हो गया, या फिर तीन डॉट में क्लिक करना है। जैसे आप इन तीन डॉट पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या बनाएगा, इस तरीके से डाउनलोड लेसन, डाउनलोड पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन। तो ये एकमात्र जरिया होता है पीडीएफ को डाउनलोड करने का, ठीक है। चलो, बाकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप टेलीग्राम, जो मैंने आपको जिसमें ज्वाइन किया है भाई, आप बच्चों से पूछ लिया करो टेलीग्राम में, टेलीग्राम में बच्चों से पूछ लिया करो, वो आपको पीडीएफ दे दिया करेंगे। चलो, कल हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के सवाल किए थे, दिखा देता हूं। ये देखिए, कल कितने सवाल किए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, तो यहां तक कल 34, 35 सवाल किए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक चीज और, एक मिनट रुको, एक मिनट ना बस, थोड़ी देर के लिए सिस्टम हैंग हुआ होगा, हैंग नहीं हो रहा बेसिकली, मैं प्रो पीडीएफ लगा रहा हूँ, एक मिनट, स्ट्रक नहीं हो रहा है, पीडीएफ लगा रहा हूँ, एक मिनट। चलो, इसके अलावा आप ये वाली क्लास में एनरोल कर लेंगे रात को 9 बजे। कल कितने बच्चों ने क्लास देखी थी मैं दिखा देता हूँ, कल हजारों बच्चों ने क्लास देखी थी कल, अब मैं दिखा देता हूँ। अगर आप उस क्लास का हिस्सा थे तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं थे तो बहुत बुरी बात है। ये देखिए, कल इतने सारे बच्चे इस क्लास में लाइव पढ़ने आए थे, 5600 बच्चे, टारगेट 40 out of 40। ये क्लासेस जो हो रही है ये स्पेशल पर होती है, इसका लिंक मैंने ऊपर दे रखा है, लिंक मैंने पेस्ट कर दिया, उस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर लेना। फ्री क्लास से कोई पैसा नहीं लगता इसके लिए, ठीक है। ये आपको मदद करेगा आपकी स्पीड को आने में, जो आपकी स्पीड नहीं आ रही है ना उसमें मदद करेगा, ठीक है। जो आपकी स्पीड का इशू आ रहा है वो रात को 9 बजे आओगे तो स्पीड का इशू वहीं दूर होगा और कहीं दूर नहीं होगा। चलो,
पहला सवाल, 12.5% 1/8 एक्स 1089 33, किसका क्यूब होता है 11 × 24, 1/8 11 से मैंने काटा 3, तो कितना हो जाएगा 3 × 24, इधर भी ले आओ 8, कितना हो जाएगा 8 × 24 × 24, डन। पोल सिस्टम रात को होगा, आज पढ़ाता हूं बेटा, क्लास में तो पढ़ाऊंगा ना, पोल सिस्टम रात को होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल बनाइए, आज भी हम लोग कम से कम 50-60 सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। जिनको जो रात में नहीं देख पाते, जया त्रिपाठी, अगर रात में नहीं देख पाते, देखो मैं भी क्या करूंगा, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, पर रिकॉर्डिंग का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि मजा तो पोल करने में, रैंक देखने में आता है लाइव क्लास का। 60% 3/5, 19 से डिवाइड करेंगे, 19 × 57, 19 × 38, टेबल याद होना कंपलसरी है, तो ये हो गया 32 × x, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 2 16। अब देखो 16 से 2 बार, 3 से 9 बार, तो 9×5 45 का आधा 22.5। यहां पर बस मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, उनके ट्रिक सिखा रहा हूं और कुछ नहीं, यहां पर मैं आप लोगों को इनके तरीके सिखा रहा हूं और कुछ भी नहीं। बेस्ट। नेक्स्ट, ये सारे के सारे सवाल जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, यही आपके एग्जाम में आएंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 352 है, 40% 2/5, 5/11, 5 × 5 = 11, 11 × 33 = 22, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, इधर आ जाएगा 32, सी भाई 11 × 33 = 22, और ये 2 भी तो चल रहा है, तो ये हो जाएगा 400 और ये 64। अब रूट में आ जाएगा, तो क्या करेंगे, 400 से निकलेगा 20, 64 से निकलेगा 8, तो आंसर हो गया 160। तो मेथड समझ में आ रहा है, जो मैं मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एग्जाम में कैसे करेंगे, वाई मल्टीप्लाई नॉट, क्योंकि डायरेक्टली निकल रहा है। तो यहां पर आप जो आए हो, यहां पर बच्चा बेसिक सीखने आया है, क्योंकि मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहे होंगे, उनके लिए मैथ्स बिल्कुल नहीं होगी, तो उनके लिए मैथ्स बिल्कुल नहीं होगी कि सर पता नहीं क्या करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, स्पेशल क्लासेस, ठीक है। चलिए बनाइए इसको, बना बना समझ। देखो क्या करेंगे, ये कितना है 31, ये 29 और ये 25, और इधर बाहर चल रहा है डिवाइड 5, √35 को √35 ही लिखो, इसको जोड़ो 31 और 9, कितना हो जाएगा 70 में से 25 गया, सॉरी 50-60 में से 25 गया √35, तो √35 / 5 × √35, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रूट के तो सिंगल मिल जाएगा, थम्स अप। बरखा बोल रही है रिपीट, बरखा पहली क्लास में आई थी क्या, फर्स्ट टाइम आई है आज, कि 961 टू 31 लिखा,
ये 29, ये 25, यहां तक रूट है बस, तो यहीं तक लगाया और डिवाइड बाई रूट 35, तो ये सारा सॉल्व करके रूट 35 मिला। रूट 35 डिवाइड 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल 35 5 से, ठीक है। एक बार थम्स अप करो, ये यहां तक है बेटा रूट, है ना, ठीक है। यहां तक आपने इसको सॉल्व किया ना, देखो फिर से देखो, आपने कहा सर ये 31 है, 29 है और ये 25 का रूट है ना ये, और फिर एक बड़ा रूट चल रहा है यहां तक, फिर डिवाइड में 5 है और ये रूट 35 है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये रूट 35 ही आ रहा है, डिवाइड 5 है, फर्दर रूट 35 मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया 35 हो गया, 5 हो गया, ठीक। नेक्स्ट, जितने भी सवाल है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे के सारे एग्जाम्स में आते हैं हर बार, जो मैं करा रहा हूँ आपको, मतलब इस सेशन को करने के बाद और जो कल का सेशन किया था, फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी। यहां पर मैं आपको डिफरेंट वेरिएशन पढ़ा रहा हूँ कि कितने वेरिएशन आते हैं, ठीक है। यहां पर बेसिकली वेरिएशन, वंशिका देखो तुम एक बात बताओ, पढ़ने आई हो पूछने आई हो, सर बेसिक डीआई कहां से करें, पता है इतना गुस्सा आता है कुछ लोगों के ऊपर, जब पहली क्लास में सब समझाया था, प्लीज जाके रिकॉर्डिंग देखो, पहली क्लास में सब मैंने सवालों के जवाब दिए हैं, डीआई अर्थमेटिक सब, आप पहली क्लास देखने इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा। आइए क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंप्लीमेंट कीजिए। अब देखो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे 12, माइनस कर देंगे 4, डिवाइड में नीचे आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 13 और 3 16 और 1 17, माइनस कर देंगे 13 में से 3 गया 10, फिर ये भी डिवाइड में आ जाएगा 96 और इधर 289, और सॉल्व इट, तो 17 17 बार, 10 से काटा 3 बार, 12 आठे पूरा 96, तो कितना आ गया 3 इंटू 12 आठे 96, 4 4 थियां 12, 17 का 10 गुना, 17 दूनी 34। आप मेरा मेथड सीखो, अभी आपका काम क्या है, सिर्फ मेथड सीखना, प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करा, जो स्पीड है वो आपकी प्रैक्टिस से आएगी, अभी तो आपको बस बेसिक सीखना है कि सर आपने ये चीज आपने ऐसे क्यों नहीं किया 361 121 के, क्यों नहीं किया, क्योंकि वैसे बहुत लंबा हो जाएगा सवाल, तो मैंने क्या कहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है बच्चे, तो एक बार दोनों को जोड़ दिया 30, एक बार माइनस कर दिया 8, फिर मल्टीप्लाई जोड़ दिया माइनस कर दिया 8 इंटू 12, 8 चार 12 और ये माइनस 4, अब डिवाइड में ये पूरा नीचे आ जाएगा, प्लस कर दिया माइनस, 96 डिवाइड में है 289, अब कैंसिल आउट किया 17 बार 12, 96 पूरा 10 से 3 मल्टीप्लाई किया आंसर, ठीक है। एक बार आया ना बोलो हम सब सारे बच्चे फास्ट। नेक्स्ट कैसे करोगे, आप क्या करना, देखो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप सीख रहे हो कि आप कैसे करोगे, मैं कैसे करूंगा, हम एक अपने मेथड्स को कंपेयर कर रहे हैं बेसिक क्लास में, लेकिन जब हम प्रैक्टिस क्लास करेंगे तो हम बाकियों से कंपेयर करेंगे कि बाकी लोगों से हम कहां बेस्ट हैं। देखो क्या करना है, नॉर्मल मेथड है, इसको जोड़ देंगे 5 और 5 10, 7 और 3 10 और 1 11, 8 और 2 10 और 1 11, 6 5 11 और 1 12 इंटू 5 इंटू एक्स, ये नंबर डबल है इसका पूरा पूरा, एक जीरो आएगी, तो ये कितना मिल गया 20, 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4। ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, कोई आरआरबी का सवाल है,
कोई एसबीआई क्लर्क का है, कोई किसी ना किसी एग्जाम का जरूर सवाल है। लेवल जो मैं आपको यहां पे करा रहा हूं आरआरबी क्लर्क में, इसके बाहर एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा, एक भी मतलब एक भी। प्रियंका पोद्दार बोल रही है रिपीट, प्रियंका मैंने क्या रिपीट करना है यार, प्रियंका मतलब आंख बंद करके पढ़ रही हो क्या कि दोनों को जोड़ दिया 1211, ये इसका डबल है और 20 हो गया 4। कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में तो ऐड करते ही समझो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है सिलेक्शन ग्रुप है ना, उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या पढ़ा रहा हूं, कह रहे सर व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है वो सिलेक्शन ग्रुप है, वहां ऐड होते ही सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल घुटने में है ना दिमाग। चलो नेक्स्ट एक और आप क्वेश्चन ट्राई करो, अगर आपसे अच्छे आ रहे हैं आप भाई, आपकी प्रैक्टिस मान लो अच्छी है, आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात है। मैं आपको यही तो बोलता हूं कि आप यहां पर आए हो तो बेटा पैसे खर्च किए हैं आप लोगों ने, तो सीखो, टाइम पास करने के लिए अगर आपने पैसे दिए तो अगर इतना ही पैसा है तो एक काम करो, आप जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद करो यार, बेचारे सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे, आओ इसको जोड़ देंगे सिंपलीफाई, 0, 8 और 6, 14, 1 और 1, 2, 5 और 4, 9, डिवाइड में x चल रहा है। अब डिवाइड करने का तरीका देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं, 0 से 0 यानी 924 को 44 से भाग देना है। अब आपको पता है कि आंसर लास्ट में 4 चाहिए, तो 4 की मल्टीप्लाई 25 तो हो नहीं सकता क्योंकि 31 और 21 तो 4 20 गुना होगा लमसम और 1 गुना, यूज योर कॉमन सेंस, वहां टाइम नहीं कि 2 से काट रहे हैं 4 से काट रहे हैं, डायरेक्टली दिमाग लगाएंगे कि भाई 20 इंटू 44 का 20 गुना करोगे तो 8 8 0, 44 का 1 गुना, भाई ये तो आसान था, जोड़ना तो आता ही है सबको, अब कोई ये मत कहना सर जोड़ कैसा दिया आपने वो भी बता दो, है ना, उसके बाद डिवाइड कैसे किया वो दिखा रहा हूं कि ये 20 लास्ट में 4 है 4 है तो 1 आएगा, देखो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 4 मिलता है, या 4 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो 4 मिलता है, तो या तो आंसर के लास्ट में 1 होगा या फिर 6 होगा, तो 1 वाले दो ऑप्शन है, 31 हो नहीं सकता 21 होगा बाई डिफॉल्ट, नन ऑफ दिस भी है तो एक बार करके देख लो 20 गुना 1 गुना। नेक्स्ट बनाओ, क्या करेंगे 44 से एक बार 31001, कीप इट सिंपल, इसको यहां लो तो 101 यहां जोड़ो, 1 और 1, 2, 0, 841, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 8 गया, क्या मैं कुछ नया कर रहा हूं, मैं बस आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जो बच्चा आज मेरी क्लास में पढ़ने आया है कि अगर आरआरबी क्लर्क देना चाहते हो आप, 40 में से 40 मार्क्स लाना चाहते हो, सिंप्लीफिकेशन 10 से 15 नंबर का आएगा, कहते हैं कि जीवन में जो काम सबसे आसान लगता है कभी कभी वही मुश्किल हो जाता है, तो अभी सिंप्लीफिकेशन किसके लिए बेटर है, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ में सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, वहां अप्रोक्सीमेशन आता है, तो वहां के लिए अगली, अभी मेरा पूरा शेड्यूल देखना, हम पूरा शेड्यूल से चल रहे हैं, अभी सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा फिर अप्रोक्स आएगा, अब काफी देर से सोनिया परेशान है, सोनिया संजय परेशान है सर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, अभी बताऊंगा मेरे भाई, एक कमेंट को 10 बार करने से जवाब नहीं मिल जाता, ये चीज कब तुम्हें समझ में आएगी, तुम बैंक के ऑफिसर बनने वाले हो लेकिन
आईक्यू लेवल मतलब बिल्कुल ही जीरो है यार, फिर कहते हो सर हम फेल हो जाते हैं। बेटा अभी तो क्या हो रहा है कि पढ़ लो ना तुम संजय, अगर तुम्हारे समस्याओं का ही समाधान है तो चिंता मत करो, समस्या वाले सेशन में आना। फिर एक चीज को बार बार मैं पोस्ट करे जा रहा हूं। नेक्स्ट आओ, एक बच्चा है देखो, उसका नाम बताता हूं मैं तुम्हें, क्या है, मोना यादव। सर बेसिक के लिए बैच, मोना बेसिक के लिए बैच आपको ना कैलाश पर्वत पे मिलेगा। ये कौन सा बैच है तुम, मतलब मुझे समझ नहीं आता जब तुम खुद ही इतने कंफ्यूज हो। तुम्हारे पास कभी तुम्हारा सिलेक्शन बैंक में हो गया, कस्टमर आएगा तो समझ जाओगे तुम्हारा क्या हाल होगा उस कस्टमर का। ये बेसिकली यार 16.5 18 से मल्टीप्लाई करने, कैसे करोगे, हाउ इज दैट, 16 इंटू 18 करेंगे प्लस 16 की मल्टीप्लाई 0.5 से। देखो 16 इंटू 18 बताया होगा मैंने, मिडिल स्क्वायर माइनस 1 288, 16 का आधा गुना 8 296। ये बताया था ना मैंने लेक्चर में, पहला लेक्चर देखना, डिवाइड चल रहा है 729 का कितना होता है 27 इंटू 11 48, तो 296 को 27 से डिवाइड करेंगे 11 थम्स अप। नहीं आया समझ, ये वाला फिर देख लो, 18 की 16.5 से गुना करनी थी, मैंने कहा 18 को 16 से कर दो और 18 को 18 दस होगी आधे से 9 297। सत्ताईस ही कम सत्ताईस, सत्ताईस तो 11 11 121, 8 और 1 9 4 8 2 6 169 मतलब 13, क्योंकि बेसिक ही क्लास चल रही है। बॉर्ड मास क्यों नहीं, बॉर्ड मास ही तो किया। हाँ बात देखो, बॉर्ड मास में क्या होता है कि पहले डिवाइड करना था, तो 16.5 इंटू 18 डिवाइड 729 ऐसी तो कह रहे हो आप, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बात वही पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। इतना फर्क तब पड़ता जब ऑफ होता, डिवाइड मल्टीप्लाई में खास देखो, जैसे समझो कहीं पे लिखा है 2 × 4 डिवाइड 6, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप इसको भी कैसा भी कर सकते हो, 8 / 6 तब भी सेम आएगा, या 2 × 4/6 सेम आंसर आएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड मास का इंपोर्टेंस केवल ऑफ में बन जाता है, ऑफ अगर होगा तो वो पहले करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो सेम सेम से होते हैं ना, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई का ही तो भाग है। आपने अगर देखा होगा कि डिवाइड जो है वो डिवाइड का मतलब क्या होता है, 4 / 3 है, इसका मतलब है कि डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं राइट हैंड साइड को, डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई का ही एक छोटा भाग है। क्यों, चलो 16 वाला 18 मैंने आपको बताया होगा, आपने नहीं देखा 16 और 18, ये मैंने पहली क्लास की रिकॉर्डिंग में बताया था, आप देख लेना उसको, कि मिडिल स्क्वायर माइनस 289 माइनस 1, फिर मैंने कहा 18 × 2.5 ठीक है। जो चिपके होते हैं पहले इसको सॉल्व करो, 23 और 15 38, 8 और 7 15/9, 12 3 36 और 1 37/3 2/3, तो ये कितना हो गया बेटा, इधर चल रहा है 38, 37 × 74/9
यहाँ लेके आ गई, मल्टीप्लाई कर दी 9 से इस एक्स को, यहाँ सी माइनस का 14 में से 5 गया 9, 6 में से 1 गया, डन। अब क्या करेंगे, याद करो रूल बताया होगा मैंने, तो कितनी बार 9 6 54 9 7 जा, तो 31 प्लस 7 लिखेंगे इसको, माइनस 59 बाई 9 पॉजिटिव बनाना है, तो 9 7 जा 63 में से 9 गया 4, तो 31 4 बाई 9। अब कोई बच्चा पूछेगा सर ये क्या कर दिया आपने, क्योंकि वो पहली बार आया होगा, तो उससे मेरी खासतौर पर रिक्वेस्ट है कि मैंने जो पहली दूसरी क्लास ली थी वहां पे फ्रैक्शन का एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, कोई है उस क्लास से, बोलो कोई है जो उस क्लास में था, है ना। तो चीजें कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को, आप अगर सारी क्लास में रेगुलर नहीं रहोगे तो आपको प्रॉब्लम महसूस होगी, फिर आप सिलेक्शन लेने नहीं आए हो, फिर आप टाइम पास करने आए हो, तो इसलिए आपको मेरी हर एक क्लास को अटेंड करना है। अगर गलती से कोई छूट जाती है उसकी रिकॉर्डिंग देखनी है आपको, लास्ट स्टेप में बता देना, वरना मुझे बताना चाहिए नहीं वैसे कायदे में कि ये चीज तो आपने ऐसे करी, इधर माइनस किया 59 हो गया ये, अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो मैंने क्या कहा इसको ब्रेक करेंगे कितने में जो पॉजिटिव बन जाए, तो 9 7 का 63 ज्यादा हो गया, ऐसे लिख के। और अधिक जानकारी के लिए आप रिकॉर्डिंग देखें, क्योंकि पूरा लेक्चर पढ़ाया मैंने इस पे, आ जाओ देखने में लग रहा है कितना हाहाकार सवाल है, लेकिन जब करोगे लगेगा कि नहीं तो बहुत बच्चों वाला सवाल है। इसलिए कहता हूं कोई क्लास अगर मिस हो जाती तो अब आप करते क्या, आप मेरी सारी क्लास देखने में लगे पड़े, तो टाइम कहां से होगा आपके पास रिकॉर्डिंग देखने का। जब सारी क्लास देखोगे तो टाइम कहां से होगा बेटा, बताओ। इसलिए कहता हूं सारी नहीं देखनी है, अब जैसे ये वाला बैच पढ़ रहे हो तो इसी बैच को पढ़ो बस, और रात के 9 बजे। अब आप 12 बजे भी आओगे, 2 बजे भी आओगे, फिर पुनीत सर का भी पढ़ोगे, विशाल सर का भी पढ़ोगे, उसके बाद कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं जो मेरा पढ़ते हैं, फिर किसी और मैथ्स वाले को भी ढूंढेंगे, लाओ इसको भी देख लेते हैं, तो देखने के चक्कर में उनको ये नहीं पता कि आपको, आप जो ढूंढ रहे हो ना, आप उतने एग्जाम से दूर हो रहे हो। बताओ यार, जब इंसान के पास चॉइस होती है तो सभी अच्छा, अभी बताओ थोड़ी देर के लिए सुनो, सपोज करो आपको जूते खरीदने हैं, आप पूमा के शोरूम पे गए, आपने देखा पूमा के शोरूम पे यार जूते अच्छे लग रहे हैं, अब मन डोलता है ना लो एक बार एडिडास का भी देख लो। ये इंसान की फितरत है, इंसान नहीं हम लोगों की ज्यादा फितरत है, हमें हमेशा लगता है कि दूसरा अच्छा होगा, हम कभी ये नहीं मानते कि हम भी अच्छे हैं, या जो हमने मतलब इंसान अगर पहली चीज में कोई चीज अच्छी मिल जाती है तो वो कभी नहीं सोचेगा कि अच्छी है, उसके दिमाग में मलाल रहेगा हमेशा कि काश दूसरा भी ट्राई कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो किसी के घर में कोई रिश्ता आया और उसकी पहले रिश्ते में ही शादी हो गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली दिल पे मत लेना, तो उसको जिंदगी भर लगेगा नहीं यार अभी और रिश्ते भी मुझे देखने चाहिए थे, 2-4 और होने चाहिए थे। एक हमारा मित्र है, तो ऐसी बात चली थी, तो उनका एक रिश्ता आया, पहला रिश्ता शादी का, अब रिश्ता आया तो उन्होंने देख के मना कर दिया, जबकि बड़ा अच्छा था, सब कुछ सही था भाई उनके हिसाब से, तो हमने उनसे पूछा भाई तुमने मना क्यों कर दिया, कह रहा अरे यार अभी 2-4 और भी तो देख लें, मतलब ये एक मानसिकता है कि पहली चीज अच्छी हो ही नहीं सकती, ऑप्शन होना जरूरी है जीवन में, 2-4 और ट्राई जरूर मारो। तो ये आपके साथ भी है कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो एक बार ट्राई जरूर मार के आओगे, देख के आते हैं, वो आपको ये नहीं पता उसमें टाइम कितना वेस्ट होता है। मैं हमेशा से यही मान के चलता हूँ, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे कभी मार्केट जाना होता है तो मैं माइंड सेट कर लेता हूँ कि भाई जाके चीता लेके आओ, टहलो मत, टहलने का समय नहीं है आपके पास, आप टहलते रहते हो, आओ और उसी में निकल जाती है आपकी ट्रेन। क्या लिखेंगे इसको, परसेंट भी है तो 3-0 आ जाएंगी, 1 पॉइंट की और एक इसकी, आ जाओ 676 यानी कि 26, 784 किसका होता है 28, ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, ये किसका होता है 3969 बताओ, 39 नीचे आ जाएगा, ये किसका होता है 63 का, मल्टीप्लाई 5 है और ये 9 है, हाउ इज दैट,
अब आंसर 13 दूनी 26 13 3 39 9 7 जा 7 4 28 4 3 12 12 6 72 तो ये 0 0 काट दो 6 और क्या क्या बच रहा है सब कट गए 5 बच रहा है 5 दूनी 10 20 सही 2 से भी बच रहा है ना 10 पर 6 5 30 6 3 18 और 3 21 6 5 30 8 2 32 और डिवाइड 10 तो आंसर 321। तो मैंने कहा था ना कि शुरू में लग रहा था कि बहुत बड़ा सवाल है, अजीब सवाल है, लेकिन जब करने लगे तो लगा यार ये तो ठीक था। हाँ, हो सकता है कि टाइम टेकिंग हो। सर SBI के लिए भी यही कोर्स पढ़े तो RR भी नहीं दे पाएंगे। अब देखो, मैंने कहा ना भारत में कमी नहीं है कलाकारों की। पहली बात तो अगर तुम्हें SBI का एग्जाम देना था तो तुम अब आई हो, तुम 6 महीने से क्या कर रही थी बताओ? अगर तुम्हें SBI प्रिपेयर करना था तो तुम जनवरी से पढ़ती रहती, तुम इस समय SBI तुम्हारा तैयार हो जाता। बताओ, मतलब तुम तो ऐसे सोच रहे हो कि मैं 1 महीने में नौकरी निकाल लूं। मतलब नौकरी नहीं है वो, तो मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आज की मानसिकता कैसी हो गई है लोगों की। 2-2 महीने में बोलते सर नौकरी निकाल दो हमारी। अरे मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ 2 महीने में तो तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा। तुम नौकरी की बात कर रहे हो, तुम्हें सोचना चाहिए ना कि भाई हम जल्दी कोर्स लेके जल्दी खत्म करें। उस समय तुम्हारे नखरे रहते हैं, हम नहीं लेंगे प्लस सर। और अब तुम कहते हो सर 1 महीने में मेरे को SBI भी करना है और RRB भी करना है। जैसे तुमने 5,000 रुपए दे के बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। तो प्लीज मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो ऐसे सोच के लोग हैं, बेटा समय देना पड़ता है, ऐसे नहीं नौकरी निकलती। थोड़ा पेशेंस रखा करो। 1 महीने एक ही बैच को पढ़ने से सर SBI तो निकलेगा नहीं, क्योंकि SBI तो अगले महीने, ये बैच खत्म होगा अगस्त में। आओ बनाओ उनका, तुम उनसे कंपटीशन कर रहे हो जो जनवरी से पढ़ रहे हैं हमारे साथ SBI। पता है SBI का बैच मैंने जनवरी में लॉन्च किया था, तब से बच्चे पढ़ रहे हैं। अब दूसरा बैच कर रहे हैं SBI का, तुम पहले में अटके पड़े हो। अभी छोड़ दो, RRB पे फोकस करो। एक पार्थ मनोज है, कह रहे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो बेकार की बात करके। बेटा पार्थ जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको जवाब देना जरूरी है ना बेटा। अब तुम्हें आता है तो तुम्हें टाइम वेस्ट लग रहा है, दूसरे का तो क्वेश्चन है ना। एक आधे क्वेश्चन में इसलिए पिक कर लेता हूं कि वो मेजोरिटी में होते हैं, समझ रहे हो। चलो बनाओ बस। RRB के लिए बस यही बैच पढ़ना है और कोई बैच नहीं पढ़ना। कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 13 3 39 13 4 52 और 5 14 19 माइनस कर लेंगे। 12 में से 9 गया 3, 3 में से 1 गया 2। अब 26% ऑफ 1650, सो हाउ वी विल सॉल्व। देखो 26% एक जीरो काट देगा, 165 अपॉन इसको इधर फेंक दो, ये जाएगा 13 165 2 5 10 12 और 1 13 330 और नीचे 10 चल रहा है, 0 हो गया। 13 3 39 13 3 39 9 9 3 12 429 429 यहाँ प्लस का जाएगा। हाउस दैट 9 3 12 2 और 2 4 और 1 5 4 4 8 12 से डिवाइड करेंगे 12 6 72 12 7 84 12 1 12 71 तो रूट एक्स की वैल्यू आ गई 71। हमें एक्स निकालना है, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कैसे करते हैं, 7 7 49 7 2 14 1 1 4 50 44 41। अब कोई पूछेगा सर आपने ये क्या कर दिया, मुझे पता था। तो वो जो पूछेगा वो रिकॉर्डिंग देखना। निशा मैं एक बात को दोबारा से कहूंगा कि स्पीड आएगी स्पेशल क्लास देख के रोजाना। यहाँ पर बेसिक सिखा रहा हूँ, वहां पर स्पीड आएगी, वहां पर आप प्रैक्टिस करोगे 5,000 लोगों के साथ, ठीक है।
चलो नेक्स्ट अगला सवाल बनाइए, और जिनका अर्थमेटिक कमजोर है वो 30 जून का इंतजार करो, 30 जून से नया कोर्स आ रहा है आरआरबी के लिए, आरआरबी के लिए 30 जून से नया कोर्स आ रहा है अर्थमेटिक का, तो परेशान ना हो। चलो बना बनाओ शाबाश ट्राई करो। हाँ बेसिक से आ रहा है, जाहिर सी बात है कोर्स बेसिक से तो आएगा। हाँ 9 दूनी 18 और 1 19 और 2 डिवाइड मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 1 7 1/2। इसको यहां ले आओ, 2 और 1 3/2 2 और 1 सॉल्व इट ना। देखो 19 से 19 7 3 21 3 3 9 ये तो पूरा 1 हो गया, 3 में से 1 गया 2/2 1 तो आंसर हो गया 1 और 1 बोलो। How's that everyone? चीजें बड़ी आसान है, बस प्रैक्टिस थोड़ी करनी होगी हमको ज्यादा से ज्यादा, है ना, और कुछ नहीं। ठीक है प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, मैं प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ऊपर लिंक जो दिया है ना उस पर एनरोल कर लेना। आ जाओ इस वाले को कैसे करोगे देखते हैं। यहां पर बस मैं आपको सिखा रहा हूं कि सिंप्लीफिकेशन को किया कैसे जाता है, और स्पीड आएगी आपकी जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, यूट्यूब पर पढ़ोगे यहां पढ़ोगे तो प्रैक्टिस आएगी। ये वही वाली बात है कि आपको मैं गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं, अब गाड़ी में आपको कब आएगी, जब आप सुबह शाम प्रैक्टिस करोगे खुद से। ये तो बेसिक फंडा आप भी जानते हो। देखो आपने क्या कहा 25% एज यू ऑल नो दैट। देखो दो तीन तरीके, इतना गेम मत घुमाओ, इधर से 2 इसको फेंक दो तो ये हो गया 19%, 250 का डबल 500, इसको इधर फेंक दो 85 का डबल 170, 200 ये कितना हो जाएगा 28 दूनी 56 प्लस 13 सेकंड स्टेप में आंसर, तो 19.5 95% जीरो काट 17 2 जा 34 17 8 जा 136 476 6 में से 5 गया 1 17 में से 9 गया 381 माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 और 1 2 8 और 6 14 442 13 × x 13 से 13 3 39 13 × 52 आप ऐसा तो फील नहीं करते ना मैं नंबरों को हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ कोई दिक्कत तो नहीं होती ना, एक्चुअल में क्या ना फ्लो फ्लो में आ जाता है, वही है कि हैबिट हिंदी वाली हो जाती तो हिंदी का ही फ्लो निकल जाता है, तो किसी को दिक्कत हो तो बोल देना, वैसे वो दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो तेरा ये सब तो इतना बेसिक आना चाहिए, क्योंकि आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा आपको हिंदी आनी जरूरी है ना। गांव में बेटा जब आप नौकरी करोगे ना गांव में, क्योंकि ग्रामीण बैंक मोस्टली गांव में होते हैं तो पोस्टिंग वगैरह गांव में मिलेगी आपको, तो वहां पर थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए। वहां पे आप अंग्रेजी में बात करोगे ना किसी किसान से तो वो कहेगा एक काम करो भैया सबसे पहले इसका तबादला करवाओ। अब आपको तबादला का मतलब नहीं पता, थोड़ा हिंदी भी सीख लेना है ना, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा हिंदी विंदी भी आपको आनी चाहिए, है ना, कि हिंदी के कुछ शब्द पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके फायदे की चीजें हैं। बस यही कहूंगा लाइफ में कुछ लोग होते हैं ना नौकरी तो मिल जाती है लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पाते, वो वही होते हैं जो एक जगह अटक जाते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा नौकरी लगती है बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं, तो वो इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो अपने अंदर सुधार करते रहते हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, है ना। तो इसलिए आप अपना अगर आपकी हिंदी विंदी भी है तो आप सीखना। चलो आओ
अब वैसे भी आजकल देखो भारत में चल रहा है कि हिंदी पे जोर दिया जा रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं कि हमारी जो मातृभाषा है उसको कम से कम सब लोगों को आना चाहिए। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं, अब क्या करें, बीच में चला था अंग्रेजी का दौर, तो लोगों ने समझा कि जो अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है वो इंटेलिजेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हिंदी आना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या, अच्छा हिंदी आना चाहिए, एटलीस्ट बोलना, शब्दों का मतलब तो पता होना चाहिए कि क्या मतलब शब्दों का है। चलो बनाओ। कोई बात नहीं, अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते तो आप उस स्टेट की भाषा आपको आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हिंदी आनी चाहिए, लेकिन आप उस स्टेट, भैया कुल मिला के बात ये कि लैंग्वेज का मतलब है कम्युनिकेशन, बस कि हमारा कम्युनिकेशन आप तक हो जाए, बस यही तो एक भाषा का माध्यम है। अब देखो 4900 को 28 से डिवाइड करना है, इंटू 444 है, कैसे करोगे, सिंपल सा गेम है, 7 से 7 बार, 7 से 4 बार, फिर 4 4 8 4 12, तो 3 4 12 से भी डिवाइड, 12 3 36, 12 7 84, 4 से डिवाइड कर लो, हो जाएगा 4 से डिवाइड, 2 से हो जाएगा 350, फिर 2 से काट लो 175, तो 175 इंटू 37। अब आप फंसोगे यहां पर कि अरुण सर ये मल्टीप्लाई समझ में नहीं आ रही है। अब देखो ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 7 5 35 माइनस 0, इधर चल रहा एक्स स्क्वायर, तो जो भी होगा वो 5 होगा, और आप भी जानते हो कि 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 ही आएगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है, ये नहीं है। दिस इज कॉमन सेंस कि आपने क्या कहा कि मल्टीप्लाई करना तो हमारे लिए मुश्किल खेल हो जाएगा, तो मैंने क्या कहा दोस्त कि 5 × 7 5 आएगा, ये 0 है, 5 में से 0 गया 5, और आप भी जानते हो कि 5 का स्क्वायर करो क्यूब करो 5 ही मिलता है, तो ऑप्शन सारे डिफरेंट थे, तो ये मेरा आंसर होगा, पहला मेथड। दूसरा मेथड आपने क्या कहा 175 × 37, मान लो मजबूरी करना ही पड़ रहा है, मान लो एक अंक आपका फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इट्स अ सिंपल गेम, 3 से कर लो, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 1 3 8 2 5, 1 0 लगा दो। 7 से कर लो, 7 5 35, 7 7 49, 52, 7 1 7 और 5 12, 5 8 2 7 2 8 2 4, 5 6 माइनस 50, कितना हो गया 25। डन। 1% बता दे रहा हूं कि अगर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ी तब की बात बता रहा हूं, हाउ इज दैट, ठीक है। वही या तो ऐसा भी कर सकते थे कि 175 का 30 गुना, वो आपके ऊपर है कि आपकी कंपैटिबिलिटी किसमें ज्यादा अच्छी है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप अपने दिमाग में रखेंगे कि ऐसा कर सकते हैं। डन। तरीके बहुत से, 40 - 3 वो आपकी कंपेटिबिलिटी है, उस पर मैं आपको ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा कि आप क्या करते हो, लेकिन ये वाला मेथड सबसे बेस्ट होता है इस तरीके का, लेकिन ये क्या पता ना लगे, ये वाली बात है। नेक्स्ट आओ। नौ 25 इधर आएगा तो प्लस का सी, 25 का 9 गुना, टेबल याद है, 25 का 10 गुना 250, 225, 25 25 50, 12 2 1450, 1600, किसका होता है 40। थोड़ा सा टेबल वगैरह भी अगर आप कर लेते हो तो आप ही के फायदे की चीज है, और कुछ नहीं। बोलो सारे बच्चे,
नेक्स्ट एक और ट्राई करो। अब 26x15 ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, ये सिखाया था ना मैंने, 26x15 260 10 गुना, इसी का आधा 130 और 310 जोड़ लो इसमें, 90 और 10 सौ, 3 × 3 = 6 और 1 = 700 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 25% 1/4। अब 100 में से 25 गया 75, 6 में से तो गया 4, इंटू 4 करना है, 4×4 = 1600, 75 का 4 × 300 मजा आ रहा है। कुछ बच्चे हैं जो बेचारे बोल ही नहीं रहे, बोलो यार भी, आपको बोलने का अधिकार है भाई, बोलो फटाफट से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सही, नेक्स्ट एक और, मतलब यही लेवल है आपके आरआरबी क्लर्क का। अब इसमें बात आएगी सिर्फ स्पीड की, ये मैंने आपको बेसिक सिखा दिया है कि करना कैसे है, बस स्पीड का इश्यू आएगा उसके लिए मैंने ऊपर लिंक दे दिया है, उस लिंक को एनरोल कर लेना, रात के 9 बजे डेली आपको आना है स्पेशल पर अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। पच्चीस डिवाइड में 4 × 6 = 300% 3x, 3 × 2 बार, 2 × 2 बार, और ये सवाल जितने भी है सारे पुराने सवाल हैं, ऐसा नहीं कि ये आपके मतलब मैंने खुद क्रिएट किए, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, कोई आरआरबी का है, कोई आईबीपीएस क्लर्क है, कोई आरआरबी क्लर्क है, कोई 2019 2020, सारे एग्जाम वाले सवाल मैंने उठा के रखे ताकि एग्जाम की फीलिंग आपको आए कि यार यही आता है एग्जाम में। अब विशाल बोल रहे हैं ट्रिक बताओ, विशाल तुम्हारा नाम यार इतना अच्छा है, विशाल तुम छोटी सी बात कर रहे हो बेटा, इनमें ट्रिक थोड़ी ना होती है। अच्छा परसों मेरी एक सज्जन से मेरी बात हुई, कहते हैं यार कि हमारे जमाने में तो वो बैंक में नौकरी करते हैं, उम्र होगी उनकी 50 साल, ऐसी बात चल रही थी कुछ, तो वो कह रहे यार बात चल रही थी, सुनना बहुत ध्यान से, अच्छी बात बता रहा हूँ, तो बोलते थे हमारे जमाने में जब एग्जाम होता था, एग्जाम तो था नहीं क्या मतलब बहुत नॉर्मल पेपर था उस जमाने में, तो उठाओ और रख दो। कहते मैं देखता हूँ कि आज के जमाने में पहले के जमाने में कितना अंतर आ गया है, बोला। मैंने कहा ये बात तो सही है। कहते कि सर आप यकीन मानिए उस जमाने में बैंक में नौकरी बता रहे थे वो, कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था एज अ क्लर्क, तो उनकी सैलरी मेरे ख्याल से 1000 की 2000 बता रहे थे, शायद कितना बता रहे थे, 2000 रुपए थी। इमेजिन कर लो उनकी नौकरी लग गई होगी 25 साल की उम्र में, तो 25 साल पुरानी पीछे बात है, यानी 25 साल अगर मैं पीछे जाऊं तो सन 2000 नहीं 20 साल तो ये हो गए, 1995 की बात बता रहा हूँ, 96 के दशक की बात बता रहा हूँ, तो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1996 की मैं बात बता रहा हूँ, तो 1996 की वो बात बता रहे थे मुझे कि यार उस समय पे बोला कि पेपर जो था वो मतलब ना के बराबर था, तो बता रहे थे कि उस समय उनको सैलरी जो मिलती थी मेरे ख्याल से 2000 थी, कितनी बता रहे थे वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आपकी फैमिली में से कोई मेंबर हो तो आप उनसे भी बात कर सकते हो इस बारे में, क्या सचमुच ये सही था कि गलत था, तो 2000 रुपये सैलरी मिलती थी। तो बता रहे हैं कि देखिए उस जमाने में जब हम लगे थे और आज की बात कर रहे हैं 2021 की, बोला आज एक पीओ लगता है तो उसकी सैलरी 50,000 रुपये होती है, तो कहते हैं कि अब तो मतलब पेपर टफ होना लाजमी है, उस जमाने पे सैलरी कम थी, बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, आजकल तो एक अगर कोई बंदा बैंक में जा रहा है तो 50,000 रुपये नौकरी लेता है, उसके बाद भी उसके पास बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कहने का सिर्फ मेरा आप लोगों से तात्पर्य यही है इस के माध्यम से कि सर आप एग्जाम को बहुत हल्के में मत लीजिए, कॉम्पिटिशन बढ़ा है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोगों को समझ में आने लगा है, ठीक है। तो यही मैं कहूंगा कविता, वो तुम्हारी बात से मैं एग्री कर रहा हूं कि उस जमाने के, मैं बात नहीं कर रहा हूं पैसों की, मैं बात कर रहा हूं कि उस जमाने में लोग कम जागरूक थे, अब लोग ज्यादा जागरूक हैं, बस इतनी सी हो रही है। सैलरी छोड़ दो, सैलरी तो मैं अगर महीने की 1 लाख भी मिलेगी तब भी कम लगेगा, इंसान को जितना पैसा मिलता है उस हमेशा कम लगता है, लेकिन बात हो रही है कि जागरूकता की, आज तादाद ज्यादा है लोगों की, पहले कम थी,
चलिए बनाइए नेक्स्ट। तो भैया इस बार नौकरी अगर आपको लेनी है तो आपको बाकी लोगों से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पल्लवी कह रही सर आपको भी कम लगता है। अगर तुम इस समय अंबानी से पूछोगे ना तो अंबानी के पास जितना पैसा होगा ना आपको पता ही होगा उसकी वर्थ कितनी है, वो फिर भी कहेगा नहीं अभी तो और कमाना है। इंसान की फितरत है, इंसान की जो जितना भी कमा लेगा वो कभी पूरी नहीं होती है। आ जाओ क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 25, 50, 75, 17, 12, 29 डिवाइड 25 और 65, 5, 5, 10, 6, 2, 8, 8, 9, 90, 8 और 3, 11। अब क्या करेंगे, फंस गए नहीं फंसे? देखिए ये लमसम 1200 है तो आंसर जो होगा 12 दुनी 24, 2 के अराउंड तो होगा ही होगा, तो 2 के अराउंड होगा लेकिन 2 से थोड़ा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा देखो, फंस गए तो इसका डबल कर दो, 0, 2, 9, 18, 2 एकम 2 और 1 3, 2380 माइनस कर लिया तो कितना हो जाएगा बताओ, 5, 17 में से 9 गया 8, 14 में से 8 गया भैया, 5 माइनस किया और 17 में से 9 गया, 17 में से 8 गया 9 और 9 में से 3 गया 6, एंड दिस डिवाइड बाई 1190। और आप देखोगे ये नंबर आधा है तो आंसर कितना हो गया, 2.5। हाउज दैट अप्रोच, आपने क्या कहा कि भाई इसको डिवाइड करना है तो मैंने कहा दुगना कर लो, दुगना 2380 हो गया, माइनस कर दे बचा हुआ ये आ गया। ये मैंने सिखाया था आप लोगों को, थम्स अप। एक बार एक बच्चा बोल रहा है 119 से डायरेक्ट काट दो, डायरेक्ट काट सकते हैं बट क्या होता है कि समटाइम क्लिक नहीं करता, जैसे देखो होता क्या है ना एग्जाम में क्लिक नहीं करती ऐसी अप्रोच है। हालांकि आपको पता होगा इसको लिख सकते हैं 17, 7 जा, देखो ऐसे भी लिख सकते थे आप, बट एग्जाम में कई बार क्लिक करता नहीं है मैं आपको सही बताऊं तो इसलिए ये 595 आएगा शायद ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 7 से काटा 7 चौक 28 17, 7 5 35, 17 से काट लिया 17 दुनी 34, 17 5 85, ऐसे भी कर सकते थे बट एग्जाम में क्लिक करता नहीं है, मैं फिर से कहूंगा। इसलिए इसी का नाम है प्रैक्टिस और किसी का नाम नहीं है, कि इसी चीज को आप 119-90 को 17-70 लिख सकते थे और फिर काटना आसान हो जाता, 7 से काट लिया 17 से 25 2500, ठीक है? या फिर आप जो तरीका मैंने बताया 2 वाला और ये वाला, ये भी सबसे बेस्ट है। 595 कैसे आया, 2975, 2380, 100 इसका डबल कर दिया, माइनस किया 5, 17 में से 9 गया 8, 8 में से 3 गया 5, ये तरीका सबसे बेस्ट था, तो ये डबल है। नेक्स्ट बनाइए। ये किसका होता है मालूम होगा, ऐसे लिख सकते हैं किसका होता है 35 का बटे में 10, 3.5 हो जाएगा। अब 3.5 × 18 − x² 6 का स्क्वायर 36 × 2 = 38, 36 हो गया 2। अब इसको देखो 18 × 3 = 54, 18 का आधा 9 आ रहा है समझ, सी 63 38 यहां लिया, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 3 गया 2, हाउज दैट 5। गौरव कुमार बोल रहे हैं फिर से, बेटा गौरव फिर वही बात है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप रिकॉर्डिंग देखना क्या काम है ना, ये किसका होता 3.5, 18 से मल्टीप्लाई किया 54, 18 5 = 90। नेक्स्ट आओ जल्दी आओ,
19 से कितनी बार आता है? 8 बार, 60% का मतलब। तीन की पावर 3 27, 4 की पावर 2 16, डन। 0, 8 6 जा 48, 16 से 3 बार, 3 से 9 बार, 90 आंसर। आ रहा है समझ में? एक बार आया ना बोलो। ठीक है, नेक्स्ट एक और जल्दी से बनाओ। फोर्टी परसेंट, चार दुनी 8, चार तिया 12, चार का क्यूब 64, डिवाइड 18, 108 डिवाइड 8, 18 सिक्स जा 8, 8 जा 48 जोड़ लो, 8 8 16, 12 4 16 और 17। हाउ इज दैट? लेवल डिफिकल्टी यही रहने वाला है। आप एग्जाम जाओगे, आप देख के आ जाना, कहोगे सर हाँ। एक और नाइन्टी परसेंट, 9 बाई 10, 576, 24, 8 का 4 का क्यूब होता है 29, 27 का 4 6 जा 9 तिया 27, 6 तिया 18 का 10 गुना। ठीक है, स्पीड जो आएगी वो प्रैक्टिस करने से आएगी, ऐसे नहीं आएगी कि मैं एक सेशन दो सेशन कर लिया। चलिए बनाइए, बाकी फिर हम आपके सवाल करेंगे। अब अपने सवाल पूछना शुरू कीजिए। स्वाति कह रही है आज छुट्टी कर दीजिए, आज खाना नहीं खा पाए। तो स्वाति तुम सुबह से क्लास कर रही हो, बीमार पड़ जाओगी, मैं बता रहा हूँ। खाना वाना खा लिया करो। दो क्लास तो देखनी है, 4 बजे और 5 बजे, सॉरी 3 बजे 4 बजे, और भी क्लास क्यों देखती रहती हो इतनी? इतनी क्लास किसने कहा तुम्हें देखने की? 2 की पावर x 64, 288, 256, 36 और ये 16 इधर आ जाएगा। अब कर लोगे कि मैं करवाऊं? हो जाएगा वैसे मेरे हिसाब से, तो कर लोगे है ना, कोई इशू नहीं है। 16 से काटा 16 बार, 16 4 जा 4 9 जा 9 तिया 27, 9 दुनिया 18, कितनी बार होता है? ठीक है चलो, तो एंड करूंगा। आपके सवाल पूछिए। आरआरबी पीयू एग्जाम तक का सिलेबस हो जाएगा या पुरानी रिकॉर्डिंग? नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? दीपिका सिंह। भाई मत देखो प्लीज, मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है मॉक, तो भाई फिर क्यों कोर्स लाइव देख रहे हो? मॉक टेस्ट दे सकते हैं क्या अभी से? अभी अभी रुक जाओ, अभी दो चार, अगर आप फ्रेशर हो ना, फ्रेशर तो रुक जाओ, दो चार दिन में बताऊंगा अभी कब से मॉक देना है। पीडीएफ 500 क्वेश्चन के कब दोगे? हाँ वो 500 क्वेश्चन के पीडीएफ बनवा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं पीपीटी दूंगा तो 500 पीपीटी उठाएंगी। मैं 500 क्वेश्चन 10-12 पन्नों में सिंक्रोनाइज करवाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, वो आप मुझ पर जिम्मेदारी रखो, मैं एक आध दिन में, मुझे टाइम दो, मैं करवा दूंगा। स्केल 1 को ईपीओ बोलते हैं। कॉन्फिडेंस आ रहा है? सर हिंदी के लिए कौन सा टीचर? हिंदी के लिए देखो, अभी आप अनअकैडमी पर बहुत सारे एजुकेटर हैं हिंदी के भी, जिसको आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करना शुरू कर दो। मैं किसी को रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ
क्योंकि कोई मुझे मिल नहीं रहा कि मैं किसको रिकमेंड करूं। आप एक सर थे वो चले गए छोड़ के पहले, तो आप हिंदी के लिए एक बार खुद देख लेना, अभी कोई है फिलहाल अकेडमी में देख लेना। सर अर्थमेटिक अभी से देख रहा हूँ क्या सही रहेगा। हाँ सूरज देखो आपके ऊपर है, मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप अभी से अर्थमेटिक देख रहे हो, हालांकि 30 जून को मेरा अर्थमेटिक चालू होगा, ठीक है, तो 30 जून से आप लाइव आकर आ जाना, अभी आप देख लो अगर आपके पास समय है। बट मैं कहूंगा अपने दिमाग को उतना ही इन्वॉल्व रखो जितनी जरूरत है, अननेसेसरी का बर्डन मत लो अभी। सर मेरा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन हो सकता है कि मैं देख नहीं पाता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके सवाल में पिक नहीं करता हूँ। मेंस वाली क्लास अभी से नहीं, मेंस अभी रुक जाओ। अगर आप, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप ये वाला कोर्स खत्म कर लो जो पार्ट वन है, पहले पार्ट वन खत्म कर लो फिर उसके बाद मेंस करना। अभी मेंस मत करो वरना पजल हो जाओगे। टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा हूँ, जैसे मैंने SBI क्लर्क की फ्री टेस्ट सीरीज कराई थी, मैं आप लोगों के लिए भी टेस्ट सीरीज प्लान करवा रहा हूँ RRB की भी, कि RRB का टेस्ट सीरीज आप कर पाए। फाइनल ईयर एलिजिबल अर्थमेटिक नहीं हो पाता है क्या करें? यार देखो फिर वही बात है, ये क्या सवाल है अर्थमेटिक नहीं हो पाता है बेटा, वो तो करने से होगा ना। व्हाट्सएप ग्रुप पे कल ऐड करूंगा, आज टेलीग्राम पे ऐड कर देना, रुक जाओ, आज टेलीग्राम पे ऐड कर देना, व्हाट्सएप पे कल ऐड करूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ इतने में सारे बच्चे। टेलीग्राम को मैं ओपन कर दे रहा हूँ आपके, ठीक है, आप अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू।